खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने बदमाश और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों की संलिप्तता एक कार सवार को लूटने में पाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने यह एक्शन लिया है। देवगांव थाने में आज़ाद कुमार पटेल नामक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवगांव इलाके के धरांग गांव के पास तीन लुटेरों ने कार और मोबाइल लूट लिया। इन तीनों आरोपियों ने मुगलसराय के रेलवे स्टेशन से एक स्विफ्ट कार गौरा बादशाहपुर जाने के लिए 2500 रुपये में बुक कराई थी। जब टैक्सी ड्राइवर ने आरोपियों से किराए का पैसा मांगा तो आरोपियों ने गाड़ी चला रहे ओम प्रकाश पटेल के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी थी, तभी पुलिस को सूचना मिली कि कार लूट की घटना को अंजाम देने वाले कुछ लोग लालगंज की तरफ से आने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करना शुरू किया। इसी दौरान पुलिस को एक कार तेजी से आती हुई दिखाई दी। कार चालक अपने आप को पुलिस से चारों तरफ घिरा देखकर गाड़ी न रोककर बाएं तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर तेजी से कार मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। तभी बदमाशों ने अपना नियंत्रण खो दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपियों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। पुलिस द्वारा की गई कंट्रोल फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसके साथ ही दो बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश अभिषेक सिंह जिला बदर अपराधी है। अभिषेक सिंह के विरुद्ध 8 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम तीनों ने मिलकर मुगलसराय रेलवे स्टेशन से गौरा बादशाहपुर जाने के लिए ओला ऐप के माध्यम से एक कार बुक किया। कार चालक से पेशाब करने के बहाने कार रुकवा कर गाड़ी से उतर गए और इसके बाद कार चालक से कार और रुपए पैसे लूट लिए। इस बारे में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में अभिषेक सिंह बदमाश के पैर में गोली लगी है। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई कार बरामद कर ली गई है। इन बदमाशों के विरुद्ध गैंगस्टर प्रॉपर्टी जब्तीकरण और गैंग पंजीकरण की कार्रवाई की जाएगी। थाना देवगांव क्षेत्र में पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभिषेक सिंह नाम के बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है व इसके दो अन्य साथी प्रकाश सिंह व श्याम बहादुर सिंह की गिरफ्तारी करी गई है। इन बदमाशों से कल देवगांव में लूटी गई कार बरामद हुई है। इन बदमाशों ने मुगल सराय से एक टैक्सी हायर करी थी व देवगांव क्षेत्र में आकर उसके साथ लूट कर ली थी। शीघ्र ही चार्जशीट भेजकर इन बदमाशों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई, प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई व गैंग पंजीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।